स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है होम विजिट, मतलब गृह मुलाकात। ओके, होम विजिट क्या है? कम्युनिटी में जब हम घर पे जा जाके लोगों के फैमिलीज़ में जाके होम विजिट करते हैं, मतलब घर पे जाके उनकी समस्या जो है उनको पता करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या डिजीज कंडीशन है, उन सबको पता करते हैं। तो उस घरों में जा के उनसे मुलाकात करना, उनसे कन्वर्सेशन करने को ही क्या बोलते हैं? होम विजिट। ओके, होम विजिट क्यों कौन करता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स करती हैं, आशा कार्यकर्ता करती हैं, जो भी कम्युनिटी के अंदर होती हैं। ओके, तो जो होम विजिट है, मतलब कि घर पे जाके उनसे बात करके कि उनको क्या परेशानी हो रही है, जो भी वूमन्स हैं या बच्चे हैं उनके घर पे, कोई बहुत दिन से बीमार तो नहीं है, बुखार तो नहीं आ रहा है, ऐसे करके उनसे जब पूछती हैं, बात करती हैं, डिस्कस करके पता करती हैं उन्हें क्या परेशानी है, फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करती हैं कि उन्हें कौन सी दवाई देना है, क्या उन्हें फॉलोअप केयर देना है, वो सब। तो होम विज़िट के अंदर यही है। इसके हम पढ़ते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि जो होम विज़िट है उसका क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विज़िट। ओके, होम विज़िट। ओके, फर्स्ट जो है वो है रोगों से सुरक्षा करना, मतलब कि क्यों करते हैं हम, जिससे जो भी रोग हो रहे हैं उनसे सुरक्षा मिल सके। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है होम विज़िट का, रोगों से सुरक्षा करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो भी घरेलू परिस्थितियां हैं, जैसे उनको घरेलू परिस्थिति में अच्छी से अच्छी नर्सिंग केयर जो है, सेवा है, वो प्रदान करना। तो क्या है सेकंड पॉइंट? घरेलू परिस्थितियों में अच्छी से अच्छी जो नर्सिंग सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं ना, नर्सिंग सेवा प्रदान करना। ओके, घर पे ही जाके जो भी अच्छी से अच्छी जो नर्सेज हैं वो अच्छी से अच्छी नर्सिंग सेवा प्रदान कर सकें। ठीक है, फिर क्या है, परिवार के जो स्वास्थ्य स्तर है उसमें क्या हो, वृद्धि कर सके, मतलब उनका जो परिवार का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो सके। तो थर्ड पॉइंट बनेगा हमारा, परिवार के स्वास्थ्य स्तर में क्या, वृद्धि करना, परिवार के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि। ओके, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, होम विजिट करते हैं। नेक्स्ट, परिवार के जो स्वास्थ्य है, टीकाकरण है, पोषण स्तर है, और पर्यावरण का जो खतरा है उसको उसका आकलन करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जो परिवार का स्वास्थ्य, परिवार में जो स्वास्थ्य है या किसी कोई बीमारी हो रही है या बच्चों का जो टीकाकरण है उसके बारे में बताना, उनका जो पोषण स्तर है, मतलब खाने का जो डाइट का जो पैटर्न है, कोई माल नरिश तो नहीं है। ठीक है, जो पर्यावरण से होने वाले जो खतरे हैं, ठीक है, जो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उन सबके ऊपर क्या करना है, आकलन करना है, पता चले कि ये जो मतलब उनके घर में, मतलब फैमिलीज़ में, कितनी फैमिलीज़ में कितने लोग बीमार हो रहे हैं, टीकाकरण उनकी फैमिली में हुआ है कि नहीं, या जो भी इन्वायरमेंट है वो कैसा है उनके घर के आसपास का, जिससे लोग बीमार उसी कारण से तो नहीं हो रहे हैं, ये सब पता करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मातृ एवं शिशु जो है उनका क्या करना है, देखभाल करना है, मातृ और शिशु, जो उनकी बच्चे और माँ दोनों की देखभाल करना है, और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी कम करना है। जैसे आपने देखा होगा कि डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कई बार बच्चों की जो डेथ हो जाती है और मदर्स की भी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे उन सबको क्या करना है, कम करना है। ओके, फिर क्या है, घर घर जाके क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, इसके लिए भी होम विजिट
का ये एम्स है कि घर जाके क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है। नेक्स्ट, जो भी संक्रामक रोग हो रहे हैं उनका स्रोत पता लगाने के लिए, कहाँ से ये जो संक्रामक रोग हैं वो हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इन्फेक्शंस जो है वो कहाँ से आ रहे हैं उनका पता करने के लिए, और उनके परिवार की पहचान करके उनके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मिले, ठीक है। घर जाके हम लोगों को जान पाएंगे उनके क्या उस गाँव में पर्टिकुलर क्या डिसीज़ ज़्यादा फैल रही है, तो हमें वो सब पता चलेगा होम विज़िट के द्वारा, ठीक है। तो होम विज़िट में क्या ऑब्जेक्टिव थे, रोगों से सुरक्षा करना, घरेलू परिस्थितियों में अच्छी से अच्छी नर्सिंग सेवाएं प्रदान करना, देन परिवार के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करना, बच्चों का परिवार के जो भी स्वास्थ्य स्तर है, टीकाकरण है, पर्यावरण स्तर में भी वृद्धि करना, उनका आकलन करना, ओके। फिर हेल्थ एजुकेशन देना, उन्हें बताना, समझा के देना कि क्या ज़रूरी है, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, पानी कैसा पीना चाहिए, ये सब उन्हें बता के देना। जो भी संक्रामक रोग से हो रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे आप संक्रामक रोगों को रोक सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होम विज़िट जो टॉपिक है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब कि गृह आकलन के क्या हैं, ये उद्देश्य हैं जो गृह आकलन के, सॉरी गृह मुलाकात के जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पे फिनिश हुए। यहाँ पे हमने आज होम विज़िट, गृह मुलाकात और गृह मुलाकात के उद्देश्य पढ़े कि हम क्यों गृह मुलाकात करते हैं, वो यहाँ पे फिनिश हुआ। आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है सो प्लीज़ आस्क मी एंड थैंक यू क्लास।